हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो पेस्ट्री। तो ये मैंने दो बड़े पैकेट ओरियो बिस्किट के ले लिए हैं और ये वाइट क्रीम वाले हैं। आप कोई भी आपको मिले आप ले सकते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो या क्रीम। तो इसकी जो क्रीम है इसको रिमूव कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, और मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाता है, इस वजह से मैंने नहीं किया। और अब मैं इसे एक जार में डाल के इसे ग्राइंड कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। और ये ग्राइंड हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर ये बन चुका है। और इसे अब दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर इसमें 2 टीस्पून शुगर पाउडर ऐड करते हैं, और आपको जैसा मीठा पसंद हो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं क्योंकि बिस्किट पहले से ही मीठे होते हैं। और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये तीनों को मिक्स करने के बाद इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क आपको एकदम से ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे ऐड करना है और इसे पतला सा बैटर बना लेना है, वरना आप एकदम से ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। और ये देखिए इतना इतना ही पतला आपको बैटर तैयार करना है। और यहाँ पर से मेरी एक क्लिप मिस हो गई है। ये भगोने में मैंने नमक और स्टैंड डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए, और जो मैं क्लिप मिस हो गई वो मैं ऐसे बता देती हूँ। मैंने एक छोटे से बर्तन में तेल लगाया था, उसमें थोड़ा सा आटा छिड़क देते ताकि बैटर चिपके ना निकालने के बाद। और फिर इसमें बैटर डाल के इसे 20 मिनट के लिए रख दिया था। और आप देख सकते हैं ये मैंने स्टिक से चेक किया है तो ये चपक नहीं रहा है, तो इस पर मैंने निकाली। अगर चपक रहा है तो आप 5 मिनट के लिए फिर से रख सकते हैं। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है। किनारे किनारे की जो ये काट लेती हूँ, एक शेप दे देती हूँ अच्छा सा, बाकी आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अब अगर आप काटना नहीं चाहते हैं तो। और फिर जो इनके हमने किनारों को जो काटा है इसको अलग कर दीजिए। और फिर मैंने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ली थी और उस ड्राई फ्रूट वाली, तो उसको मैंने मेल्ट करके मैंने इसके ऊपर ये डाला है। और कोई भी चॉकलेट सॉस वगैरह मैंने नहीं ली थी, वही डेयरी मिल्क थी घर पे, और तो मैंने इसे मेल्ट किया और इसको इसमें डाल दिया। और अगर आपके पास चॉकलेट सॉस है और या कोई भी चॉकलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। और ये ड्राई फ्रूट्स वाले थे और जब इसके खाने में ड्राई फ्रूट्स भी मुंह में आ रहे थे। और उसके बाद ये सिल्वर वाली बॉल आती है, इसको मैंने डेकोरेशन के लिए ऊपर से बस ऐसे ही डाल दिए हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप रहने दीजिए, आप ऐसे भी खा सकते हैं। और चोको चिप्स हैं आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए आप इसका फाइनल लुक, और देखने में भी जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही अच्छा था। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।